देवास जिले के तहसील सोनकच्छ में बीती रात नाबालिग युवक पर चाकू से हमला हो गया, जिसे परिजनों द्वारा 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। वहां उसे गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार कर इंदौर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बीती रात सोनकच्छ के रहने वाले जसपाल उर्फ राजा, पिता सुरेश भगेल, उम्र 16 वर्ष, को काली सिंध नदी के किनारे शमशान घाट के समीप कुछ युवकों ने चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे परिजन 108 की मदद से देवास जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार कर युवक को इंदौर रेफर किया गया, लेकिन वहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजन रामपाल सिंह बघेल ने बताया कि हमारा पुराना विवाद चल रहा है, जिसके चलते दबंगों ने हमारे मकान भी तुड़वा दिए और आज मेरे अंकल के लड़के मेरे भाई पर चाकू से हमला करवा दिया गया है, जिससे उसकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। वहीं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 4 आरोपी नाबालिग हैं और 1 बालिग। आगे की जांच जारी है। हमारा जमीनी विवाद है और उसमें श्याम सिंह बघेल और विजय सिंह बापू और ये हमारे जमीनी विवाद में हमारा मकान भी और जो प्रधानमंत्री के द्वारा योजना मिलती है वो मकान भी हमारे 5 मकान उगा दिए। चाकू उसको पत्नी मारा। हाँ, बच्चे ने बोला कि मैं काली सिंह मार के इधर था, उनको चाकू मारा। थाना सोनकच्छ में एक कल रात को घटना घटित हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बालक को चाकू से वार किया गया था। उस घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल में देवास पहुंचाया गया। साथ ही साथ घटनाक्रम कैसे हुआ इस संबंध में भी पूछताछ की गई। पूछताछ में जो तथ्य आए उस हिसाब से प्रकरण में धारा 307 का FIR किया गया और जो आरोपी चिन्हित थे उनकी तलाश शुरू की गई। इसी दौरान आज प्रातः पता चला कि जो घायल बालक था उसकी मृत्यु हो गई है और इस तरह से मामला हत्या का प्रयास न हो कि हत्या का रूप ले लिया है। और जो इस मामले में आरोपी थे 4 नामजद व अन्य, उन 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अगर कम उम्र में बच्चे अपराध की तरफ अग्रसित हो रहे हैं और एग्रेसिव हो रहे हैं तो इसमें समाज को, परिवार को ध्यान देने की जरूरत है। इसमें पुलिस के भी सहयोग की आवश्यकता है। जहाँ हमारा रहता है प्रयास की जहाँ बैठक वगैरह होती है, जनसंवाद होता है, वहाँ जो परिवार के लोग हैं उनके गार्जियन हैं उनके साथ बात करके समझाया जाए कि उनके बच्चे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।